मेरे बच्चों तुसें ही अजकल पता है कि लोग जेडे ड्रग्स का बड़ा इस्तेमाल करा करते हैं, नशीलियाँ चीज़ा होंगे ना, नशीले पदार्थ होंगे ना, इनकी रुटी खाने को भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जो अज का दौर चला रहा है, लोग बॉर्डर लाइन्स पर जाइए उधर चिट्टा ले आते हैं, चिट्टे का प्रबंध करते हैं आने वाली जनरेशन से, और उन्हें ये चिट्टा जड़ा कुछ ना कुछ तरीके कने जड़ा उनके खाने पीने के पदार्थों के बीच इंस्टॉल किया जाता है, और उन्हें एक रेगुलर आदत का आदि बनाया दिता जाता है कि ताकि और कुलचे खाते हैं तो रोज़ 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 कुलचे ही खान, जो कोई और चीज़ खाते हैं तो रोज़ उन्हें ही खान, और ये जी आदत है ये लंबे समय से एक शरीर की बिल्कुल खोखला करी ओड़ती है। इस वास्ते सानू एक अज प्रण लेना पौग कि भला अस नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना। थैंक यू। करना है सामने मुझको कुछ दिख रहा है खतरा और मुझे रिएक्ट करना है, जो मेरी बॉडी नॉर्मली शायद 10 सेकंड में रिएक्ट करती है। अगर मैंने किसी चीज़ को, कोई ड्रग्स को या किसी और अल्कोहल को मैंने कंज्यूम किया है, वो बढ़ जाएगा, इट विल बिकम 20 or 30 seconds। तो उससे मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? किसका नुकसान और कैसा नुकसान? ऐसे ही हमारे ब्रेन पे सोचने समझने की शक्ति, परखने की शक्ति वो कम हो जाएगी। तो हमने कोशिश करनी है हम अच्छी संगत में रहें, गुड हैबिट्स को अपनाएं और बॉडी को अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, ठीक है। एज यू ऑल नो, ड्रग इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़। ड्रग एडिक्टर इज स्पॉइल हरसेल्फ लाइफ एंड डू नॉट यूज ड्रग। स्टे हैप्पी लाइफ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। नशे को छोड़ो और जिंदगी को चुनो। थैंक यू।